आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है रेडियन। रेडियन 2010 से इंडिया में काम कर रही है और साथ में इनके पास 15 से ज्यादा साइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आप सभी को कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। तो आप लोग को नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग जाकर व्हाट्सएप पे इनको कॉन्टैक्ट कीजिए और सभी डिटेल्स ले लीजिए। कमेंट में इनका सभी डिटेल्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए रेडियन से। आईपीएल 2022 को लेकर आरसीबी की टीम की तरफ से गाइस यहाँ पे आज काफी सारी अपडेट निकल कर आ रही है, तो आरसीबी के फैंस के लिए गाइस यहाँ पे काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाइस यहाँ पे आकाशदीप के बारे में। आकाशदीप का गाइस यहाँ पे प्लेइंग 11 में जगह बनेगा या नहीं, उसके बाद बात करेंगे गाइस हम लोग हर्षल पटेल के बारे में, क्या वो पूरी तरीके से अवेलेबल होंगे या नहीं। उसके बाद बात करेंगे विराट कोहली के बारे में, फैफ डुप्लेसी के बारे में, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। तो इन सभी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जो गाइस यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर गाइस यहाँ पे आ रही है आकाशदीप को लेके। तो गाइस यहाँ पे आकाशदीप को लेके ना काफ़ी ऐसे चर्चे हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आकाशदीप को यहाँ पे बाहर बिठाना चाहिए एंड उनके जगह पे हर्षल पटेल को लाना चाहिए। अगर हम लोग बात करें सुहर्ष प्रभु देसाई के बारे में सारी बातचीत हो रही है, क्योंकि सुहर्ष प्रभु देसाई गाइस यहाँ पे आई थी एंड सभी आरसीबी के फैंस का कहना है कि सुहर्ष प्रभु देसाई को यहाँ पे मौका देना चाहिए। और आरसीबी के संजय बांगड़ सर ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग अनुज रावत को बाहर निकाल नहीं सकते, और अगर अनुज रावत को बाहर निकालते तो गाइस पे सुहर्ष प्रभु देसाई उनके जगह पे रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आरसीबी के कोच गाइस यहाँ पे खुद कह रहे कि यहाँ पे अनुज रावत को आगे और ज्यादा मौका मिलने वाला है। अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या आकाशदीप हम सभी को बाहर नजर आने वाले या नहीं, क्योंकि आकाशदीप की बात करें तो गाइस यहाँ पे आरसीबी के प्लेइंग 11 में वो एक एक्स्ट्रा बॉलर के रूप में गाइस यहाँ पे शामिल हो रहे, क्योंकि इनके पास गति है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सब बात है कि इनके पास यहाँ पे गति है, और इस गति की वजह से गाइस इनको यहाँ पे आरसीबी की टीम में शामिल किया जा रहा है। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मैच में इन्होंने अच्छे परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद बाकी परफॉर्मेंस की बात करें, बाकी मैचों की बात करें तो उतना ज्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए। नए खिलाड़ी है, पहली बार गाइस आईपीएल खेल रहे हैं, तो थोड़ा गाइस पे परफॉर्म करने से वो थोड़ा हिचकिचा सकते हैं। एंड गाइस पे हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगर आरसीबी की टीम मौका देती है तो परफॉर्म करे, बट ये सवाल आता है कि आगे की आरसीबी की टीम इनके साथ कंटिन्यू कर सकती है। तो गाइस एक बदलाव आप सभी को नजर आ सकता है, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो आरसीबी की टीम मैच खेलेगी वहां पे गाइस यहां पे आकाशदीप यहां पे प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट है। एंड गाइस यहां पे आकाशदीप बाहर जा सकते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट हम सभी को देखने को मिली है। और गाइस आरसीबी के सभी फैंस ऐसा चाहते भी है कि आकाशदीप को बाहर बिठाया जाए एंड किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए, बट मेरा भी यही कहना है कि यहाँ पे आकाशदीप को बाहर बिठाया जाए और आकाशदीप के जगह पे गाइस यहाँ पे किसी और खिलाड़ी को यहाँ पे मौका दिया जाए, मेरा भी यही ओपिनियन है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर गाइस यहाँ पे आ रही है हर्षल पटेल की तरफ से। कल मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे पास अभी तक हर्षल पटेल को लेकर कोई अपडेट निकल कर नहीं आया है, क्या वो आरसीबी के बायो बबल को ज्वाइन किए हैं या नहीं, इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई अपडेट नहीं था। बट गाइस मेरे को आज अपडेट मिला है जहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे आरसीबी के बायो बबल को हर्षल पटेल ज्वाइन कर चुके हैं एंड कैसे पे क्वारंटाइन कंप्लीट करेंगे 3 दिन का। एंड 3 दिन का क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कैसे यहाँ पे आपको दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो आरसीबी की टीम मैच खेलेगी वहाँ पे पूरी तरह से अवेलेबल नजर आने वाले हैं। अब जैसे कि बीसीसीआई ने रूल बनाया कि कोई भी बायो बबल को अगर यहाँ पे छोड़ता है बीच आईपीएल में तो उनको फिर से गाइस आके क्वारंटाइन कंप्लीट करना पड़ेगा एंड बीसीसीआई ने जो रूल बनाया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस अभी जो कि हर्षल पटेल पूरी तरह से क्वारंटाइन कंप्लीट कर रहे हैं एंड गाइस हम सभी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पूरी तरह से अवेलेबल नजर आएंगे हर्षल पटेल, तो आरसीबी के फैंस के लिए ये काफी अच्छी गुड न्यूज है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली एंड ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से। तो गाइस पे इन तीनों खिलाड़ी को, तीनों डेंजरस गाइस पे बल्लेबाजों को, तीनों केजीएफ को गाइस यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है आरसीबी के नेट प्रैक्टिस में, जहाँ पे आरसीबी के ऑफिसर ने गाइस पे पोस्ट करके भी बताया है, जहाँ पे तीनों के तीनों खिलाड़ी गाइस पे एक साथ बल्लेबाजी करते हम सभी को नजर आए हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हम सभी को कोई अगर फायर करते नजर आए हैं तो गाइस वो इकलौते खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो गाइस पे इस पर वो काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। अगर लास्ट मैच की बात करें तो गाइस पे गलत तरीके से आउट हुए रविंद्र जडेजा के हाथ में, लेकिन गाइस पे ग्लेन मैक्सवेल इस बार काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। और विराट कोहली भी हम सभी को काफी अच्छे टच में नजर आए, लेकिन मैच में इनसे रन नहीं निकल रहे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैफ डुप्लेसी के बल्ले से रन निकलना और विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन तीनों बल्लेबाजों से गाइस पे रन निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आरसीबी के टीम के लिए। तो गाइस पे आरसीबी के टीम की तरफ से ये अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। तो अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।